की ओर। दहेज की मांग पूरी नहीं करने पर विवाहिता को दिया 3 तलाक, रिपोर्ट दर्ज। असम मोली के गांव मनोटा में विवाहिता को दहेज की खातिर 3 तलाक दिया गया है। इसकी जानकारी विवाहिता के मायके वालों को हुई तो हड़कंप मच गया। पीड़ित विवाहिता ने मायके वालों के साथ थाने पहुंचकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामला में संज्ञान लेते हुए आरोपी पति समेत 3 लोगों पर रिपोर्ट दर्ज की है। गांव मनोटा निवासी नगमा पति पत्नी आसीम ने पुलिस को 2 तहरीर दी और उसमें बताया कि उसकी शादी 2.5 साल पहले हुई थी। शादी के कुछ दिनों के बाद से ही पति और उसके परिजन दहेज में 2 लाख रुपए और बाइक की मांग करने लगे और विरोध किया तो मारपीट की गई। कई बार पंचायत हुई जिसमें मामला शांत हो गया। अब कुछ दिनों से फिर से दहेज में 2 लाख रुपए और बाइक की मांग की जाने लगी है। विरोध किया गया तो 1 सप्ताह पहले मारपीट कर घर से निकाल दिया और 3 तलाक दे दिया। इसकी जानकारी परिजनों को दी गई है। पीड़ित महिला मायके वालों के साथ थाने पहुंची और कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए पति आसीम के खिलाफ 3 तलाक और दहेज उत्पीड़न की रिपोर्ट दर्ज की है। वहीं ससुर बब्बू और सास राबिया को दहेज उत्पीड़न में आरोपी बनाया गया है। थानाध्यक्ष रणवीर सिंह का कहना है कि महिला की तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज की गई है। आरोपियों की तलाश की जा रही है जिन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।